नमस्कार दोस्तों, आज समसामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे देश की एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसमें भगवान शिव के लिए एक सीट आरक्षित रखी जाती है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इंदौर से वाराणसी यानी काशी एक्सप्रेस जाने वाली देश की पहली तीसरे नंबर की निजी ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित रखी जाती है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को वाराणसी में वीडियो लिंक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित रखी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव की नगरी पहुँचने वाली यानी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि इंदौर के बहुत नज़दीक है, उसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर, महाकालेश्वर के बाद काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस यानी काशी विश्वनाथ पहुंचने वाली इस ट्रेन को भगवान शिव को समर्पित किया गया है और वे यात्रा में साथ रहें इसके प्रतीक स्वरूप एक सीट उनके लिए आरक्षित रखी गई है। जाने और आने दोनों ही समय यानी जब भी ये ट्रेन चलेगी सप्ताह में तीन दिन एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर इस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि यह सोमवार को सुबह 8:10 बजे इंदौर पहुंचेगी और ट्रेन के कोच B5 में सीट नंबर 64 को बाबा महाकाल के लिए आरक्षित रखा गया है और लोगों को इसकी जानकारी रहे इसके लिए सीट पर मंदिर बनाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है समूचे रेलवे के इतिहास में कि जब भगवान के लिए सीट को आरक्षित किया गया है। अब कुल मिलाकर निश्चित रूप से यह बात बेहद लोगों को चौंकाती भी है और उनकी आस्था को मजबूत भी करती है कि भगवान शिव उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। सीट नंबर 64 के पास जो लोग बैठेंगे उन्हें इस बात का एहसास होता रहे कि यह सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित है, इसके लिए यहाँ पर एक सीट पर मंदिर भी बना दिया गया है। तो है ना यह निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.